फ्रेंड्स, मैं हुसैन प्रीत सिंह आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के स्पेशल सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे लीवरेज के बारे में। लीवरेजिंग होती क्या है? लीवरेजिंग एक ऐसा फार्मूला है जिसको यूज करके आज लाखों लोग अपनी जिंदगियां चेंज कर चुके हैं, लाखों लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर चुके हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लीवरेजिंग? लीवरेजिंग को मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। 1988 के दशक में से एक स्टार्टिंग हुई थी कार्बोनेटेड ड्रिंक की, कार्बोनेटेड फाउंटेन ड्रिंक की एक स्थापना हुई थी। उसमें क्या था, एक केमिस्ट की शॉप पे से ये स्टार्टिंग हुई थी। वहां पे एक कार्बोनेट ड्रिंक यूज की गई थी, जिसमें क्या होता था, एरियाज के लोग, आसपास के लोग वहां पे आते, 5 सेंट देते और उसके बदले में एक ड्रिंक, एक गिलास वहां से उस फाउंटेन से भर के वो पी लेते थे और एंजॉय करते थे। और ये ड्रिंक इतनी ज्यादा मतलब अच्छी थी कि उस एरिया में पूरी फेमस हो गई थी बहुत ही कम समय में। तो जो इस कार्बोनेटेड ड्रिंक के जो ऑनर थे, उसके मन में आइडिया आया कि इसको मैं अपने एरिया तक सीमित नहीं रखूंगा, इसको मैं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। तो इसी आइडिया को लेके उसने सबसे पहले तो इस ड्रिंक का एक ब्रांड नेम बनाया और वो नेम था कोका कोला। और उसने क्या किया, इस कोका कोला को पहले जो एक फाउंटेन के रूम में था, मतलब एक पंप के रूम में था, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित था, इसने सोचा कि मैं क्यों ना इसको बोटल्स में पैक कर दूं। तो वहां से बोटलिंग होनी शुरू हुई और धीरे धीरे करते करते कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में कोका कोला फेमस हो गई थी। तो इसी चीज को बोलते हैं लीवरेज। लीवरेज यहाँ पे कैसे हुई, पहले वो एक ही जगह पे थी, पहले एक ही जगह पे थी, सिर्फ कुछ एरिया में, लिमिटेड एरिया में लोग यूज कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोतल में पैक करके उसको बड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया और पूरी दुनिया तक वो सप्लाई करने लग गए। लीवरेज दोस्तों, लीवरेज का मतलब होता है लीवर, लीवर यानी कि आसान, किसी भी काम को आसान बनाने का फॉर्मूला। लीवरेज आज हर जगह पे लीवरेज यूज होती है। जैसे हम आपने ये वर्ड लीवर वर्ड सुना होगा, एक मैकेनिक की शॉप पे, एक मैकेनिक क्या करता है, एक बड़े से इंजन को बड़ी आसानी से उठा लेता है। उसने क्या किया होता है, ऊपर एक सिस्टम तैयार किया होता है लीवर्स की मदद से, जिसकी वजह से वो मतलब सैकड़ों टन वाली चीजों को भी, बड़े बड़े हैवी हैवी इंजन को भी वो आसानी से उठा सकता है। लीवर का काम ही होता है कि किसी भी काम को करने का तरीका आसान कर देना। लीवरेज का मतलब है आपके टाइम, आपके प्रयास और आपके एफर्ट्स, आपकी मनी का एक मैक्सिमम यूज करना, कि आप अपने एफर्ट्स को मैक्सिमम यूज करके उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सको। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हेनरी फोर्ड। जी हाँ, आपने फोर्ड कंपनी के बारे में तो सुना होगा, जो फोर्ड कंपनी जिन्होंने स्टार्ट की थी, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने क्या किया था, हेनरी फोर्ड से पहले जो प्रोडक्शन होती थी ना, वो मैनुअली होती थी, मतलब एक गाड़ी बनाने में बहुत समय लग जाता था। हेनरी फोर्ड ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जहां पे क्या है, सीरीज में प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी, कि कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी कि तुमने ये पर्टिकुलर काम करना है, नेक्स्ट में ये पर्टिकुलर करना है, कि नहीं ये पर्टिकुलर करना है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक डिजाइन तैयार कर दिया, जिस वजह से वो जो गाड़ियां मतलब दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे, वो दो दो तीन तीन दिनों में असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहां से स्टार्टिंग हुई थी एक लीवरेज की। लीवरेज की एक और एग्जांपल लें, जैसे हम जानते हैं कि जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको काफी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में प्रमोट किया जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग से बुक पब्लिश की है, नेटवर्क मार्केटिंग जो सपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है और बिल्कुल राइट भी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेटवर्किंग की थी वो की थी रियल एस्टेट में। तो उन्होंने नेटवर्किंग कैसे की, पहले होता क्या था कि लोग खुद मेहनत करते थे और जमीन वगैरह बिकवाते थे या प्लॉट्स वगैरह बिकवाते थे। तो फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, तो आप एक साल के अंदर कितना के बिजनेस कर सकते हो, कितने के प्लॉट बिकवा सकते हो, फॉर एग्जांपल 20, 25, 30, 40 या मैक्सिमम 50, तो इससे ज्यादा तो काम नहीं कर सकते, है ना। तो हुआ क्या, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि ना इसमें भी मतलब लीवरेज किया जाए। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने कुछ और ठेकेदारों को हायर कर लिया, अपने जैसे जो लोग थे जो खुद रियल स्टेट का बिजनेस करते थे, अपने जैसे 20 और रियल स्टेट के जो पर्सन थे उनको हायर किया, उनको कहा कि आप मेरे लिए काम करो, अब जितना भी काम करोगे आपको मैं इतना कमीशन दूंगा, प्लस इतना आपका इतना मेरा बेनिफिट है।
तो अगर वो अकेले पूरे साल में 50 डील्स क्लोज करते थे, अब उस उनके डाउन में 20 अच्छे लेवल के ठेकेदार आ गए थे, तो 20 × 50 आप मल्टीप्लाई कर लो, डील्स आप उनकी एक साल में क्लोज होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने जो ठेकेदार थे, अपनी जो लीवरेज थी उसको बढ़ाते रहे, अपनी संख्या बढ़ाते रहे, और आज वो अमेरिका के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं रियल स्टेट में नेटवर्किंग करके। तो दोस्तों ये पावर है लीवरेज की। लीवरेजिंग की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मैकडी की। मैकडी के बारे में आप सब जो लोग जानते ही होंगे, मैकडोनल्ड के बारे में। मैकडी की जो हिस्ट्री थी, रे क्रो नाम का एक शख्स था जो एक मिक्सर बेचने का काम करता था, मिक्सर का उनकी शॉप थी, मिक्सर बेचते थे। तो वो एक बार मैकडी एक ना शॉप थी, एक पर्टिकुलर एक छोटे से अमेरिका के एक एरिया में, एक शहर में एक शॉप थी मैकडी के नाम से, जहाँ पे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स वगैरह बनते थे। तो वो अपने एरिया में काफी ज्यादा फेमस थी। एक बार वो उनको मिक्सर बेचने जाता है, तो वहां पे जो भीड़ होती है, उस रश को देख के ना उसके मन में एक आइडिया आता है कि ये अपने एरिया में इतनी ज्यादा फेमस है, क्यों ना इसको पूरे अमेरिका में फैला दिया जाए। तो उन्होंने मैकडी के जो ऑनर थे उनसे डील की, और जो एक फ्रेंचाइजी का एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मैं इसको पूरे अमेरिका में फैलाऊंगा, इसकी पूरी फ्रेंचाइजी हम बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करते करते पूरे अमेरिका में मैकडी की फ्रेंचाइजी फैला दी, और धीरे धीरे मैकडी को उन्होंने खुद ही टेक ओवर कर लिया था। तो आज देखे पूरी दुनिया में 36,000 से ज्यादा आउटलेट है मैकडी के, और मैकडी का जो ऑनर अब रे क्रो और उसकी जो फैमिली है वो आज दुनिया के सबसे मतलब रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं। उन्होंने किया क्या, उनका खुद का बिजनेस भी नहीं था, बस एक फ्रेंचाइजी सिस्टम ऐड किया। फ्रेंचाइजी से क्या हुआ, उनका टाइम और पैसा लीवरेज होना शुरू हो गया, मतलब बढ़ना शुरू हो गया। जो पहले एक शहर तक, एक सिटी तक सीमित था, वो आज धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो मैकडी की जो स्टार्टिंग हुई थी, जब ये फ्रेंचाइजी सिस्टम आया था, इसने बड़ा ही अमेरिका में तहलका मचा दिया था, बड़ा ही एक रेवोल्यूशन का काम किया था। लेकिन स्टार्टिंग में जो बड़े बड़े बिजनेस थे, इन्वेस्टर थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, कहते ये इलीगल काम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन करते करते फिर गवर्नमेंट ने भी उसको 2 साल के बाद लीगलाइज कर दिया था, परमिशन दे दी थी। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि लीनियर ग्रोथ पे हैं, मतलब वो काम तो कर रहे हैं, बस आई चलाई चल रही है। वो क्या करते हैं, कॉपी कैटिंग। ये आज का जो सेशन है ये एक बुक से लिया गया है, कॉपी कैट मार्केटिंग। यहाँ पे एक ही चीज बताई गई है कि आज हम जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी की कॉपी ही करते हैं। हम चाहे पैदा होने के बाद जो बोलना सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, जो हम एजुकेशन लेते हैं, हम अपने टीचर्स की कॉपी करते हैं। तो दुनिया में कोई भी काम जो भी करता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी की कॉपी ही कर रहे हैं। तो कॉपी कैट मार्केटिंग हर जगह पे यूज होती है। मैकडी में भी कॉपी कैटिंग हुई थी, एक जो फ्रेंचाइजी थी, एक जो शॉप थी उसके आगे एक और कॉपी बना दी, फिर उसकी और कॉपीज पे कॉपीज कॉपीज पे कॉपीज बनती गई, और वो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी साबित हुई। वहां से स्टार्टिंग हुई थी एक फ्रेंचाइजी सिस्टम। दोस्तों ये जो 95% लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, एक मीडियम सी एक नॉर्मल सी जिंदगी पे ही एक फंस के रह जाते हैं, इसका कारण ही ये है कि ये लोग भी कॉपी कैटिंग करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन किन लोगों की, नौकरी वालों की। ये लोग जॉब को कॉपी करते हैं। देखो हमने अगर कॉपी ही करना है, क्यों ना हम बिजनेसमैन को कॉपी करें, क्यों ना हम देखें कि दुनिया में आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो काम उन्होंने किए हैं, हम उनकी कॉपी कैटिंग कर लें। जॉब और बिजनेस में यही डिफरेंस होता है कि जो जॉब में आपकी एक लीनियर ग्रोथ होती है, मतलब एक आपकी कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। हो सकता आप 50 साल काम करने के बाद भी आप इतना पैसा ना जमा कर पाओ कि 5 साल फ्री बैठ के आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओ। वहां पे होता क्या है, ना तो अच्छी अर्निंग ले पाते हैं, ना अच्छी सेविंग हो पाती है, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं। बस सुबह सुबह मतलब सुबह काम से निकलते हैं, 10 घंटे काम करने के बाद सिर्फ काम काम काम, अपने कहीं ना कहीं अपने काम के गुलाम बन के रह जाते हैं। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, स्पेशली जो फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है जहां पे आप लीवरेज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल दूं, मान लो एक आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, और आपको मैं कहता हूँ 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी भी है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख ही रहेगी, आप कंटिन्यूसली उसी सैलरी के लिए काम करते रहोगे। लेकिन वो सैलरी आपको तब मिलेगी अगर आप उनको काम करके दोगे। आपने क्या किया, कहीं ना कहीं आपने अपना टाइम बेच के पैसे अर्न कर रहे हो। अगर आप टाइम नहीं दे पाए, भगवान ना करे कल को आप जॉब पे ना जा पाओ, घर पे कुछ ऐसे हालात हो जाए, तो आपकी सैलरी कट होना शुरू हो जाएगी, आपको बिना काम के पैसा नहीं आएगा। मतलब आप एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हो। यहां पे जो आपकी ग्रोथ होगी ना, वो लीनियर ग्रोथ होगी। दूसरी तरफ जो आपका बॉस है, वो काम भी नहीं कर रहा, वो जितनी मेहनत आप कर रहे हो वो आपका जितना काम नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा इनकम ले रहा है।
उसमें फर्क क्या है, वो इतनी ज्यादा इनकम क्यों ले रहा है? क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो और जो आपका बॉस है आपके जैसे उनके डाउन में हो सकता है 100% काम कर रहे हो, तो उस आपके बॉस ने क्या किया, अपना टाइम लीवरेज कर लिया। तो कहें जहां पे लोग टाइम लीवरेज कर लेते हैं या मनी लीवरेज कर लेते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं और ज्यादा अर्निंग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले पाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना गया, 8वां अजूबा बोला गया दुनिया का। कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करके भी सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की, अपने आप को सक्सेसफुल बनाया है। दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में एक है वॉरेन बफेट, उन्होंने बताया था कि अगर आपने 1996 में 10,000 रुपए भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए होते, आज कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से उनमें इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, वो आपका जो 10,000 रुपए था वो आज 80 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा क्रॉस कर जाना था, इतनी ज्यादा वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। आप अगर बात करें चाहे जीरोक्स, कोडक, IBM, वॉलमार्ट, इन कंपनीज में अगर हमने 10-15 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आज वो 10,000 आज ये सैकड़ों करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाने थे। इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल कुछ कंपनीज में पिछले 10 से 20 सालों में ली है। जैसे एप्पल, अगर आपने एप्पल की स्टार्टिंग में सिर्फ 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होनी थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम इन चीज़ को, इन बूम को हम मिस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो इसका मैं आपको एक आइडिया भी बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि जो देखो चीज हम मिस कर चुके हैं उनके बारे में अब पछताने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, लेकिन जिस चीज का आने वाला टाइम है, जिस चीज का आने वाला बूम है, वहां पे अगर हम अपना टाइम या अपनी मनी इन्वेस्ट कर लेंगे तो जरूर आने वाले टाइम में हम बड़ी ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा सिनर्जी के बारे में। सिनर्जी एक चीज, एक ऐसी चीज है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ होनी चाहिए। आज से काफी साल पहले एक पर्सन थे अर्निस्ट हम्बी, उन्होंने वेफर्स बनाए। तो वेफर्स वो बीच पे समुद्र किनारे पे वो सेल करने की कोशिश करते, कई दिन निकले लेकिन उनके वेफर सेल ही नहीं हो पा रहे थे, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे वेफर खाने में। तो हुआ क्या, एक बार वहां से एक आइसक्रीम वाला गुजरा तो उसको देख के उसके मन में आइडिया आया, क्यों ना वो भी आइसक्रीम की स्टॉल लगाए और अपने जो जो आइसक्रीम है उसको वेफर्स के अंदर डाल के वो सेल करना शुरू करे। तो उसने क्या किया, वेफर्स को एक कोन की शेप में बनाया और उसमें आइसक्रीम डाल के सेल करनी शुरू की। और जो आइसक्रीम और जो वेफर्स का टेस्ट था वो आपस में इतना ज्यादा सिनर्जाइज था, उनमें इतनी अच्छी सिनर्जी थी, वो लोगों को पसंद आने लगे। तो आज धीरे धीरे करते करते आज आइसक्रीम और सिनर्जी का इतना अच्छा प्यार है कि आप सब लोग जानते हो, हर जगह पे कोन्स वहां से शुरू हुए थे। तो सिनर्जी का मतलब है कि कम्बिनेशन, किस चीज का किसके साथ परफेक्ट कम्बिनेशन है। आइसक्रीम की वेफर के साथ आज परफेक्ट सिनर्जी है और पूरी दुनिया में प्रचलित है। अब फ्रेंड्स जैसे हमने बात की थी कि जो बड़े बड़े बूम है उनको हम कहीं ना कहीं मिस कर चुके हैं, तो फिर आज हम क्या करें। आज अगर ना तो हमारे पास इतना पैसा है, लाखों करोड़ रुपए हैं कि किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर दें और फिर हम बैठ के वेट करें कि 10 साल बाद 15 साल बाद वहां पे हमें इंटरेस्ट मिले। देखो अगर आपके पास पैसा है नो डाउट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसका बेनिफिट भी कम से कम 15-20 साल के बाद मिलने वाला है, तो फिर हम करें क्या। तो आज एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत समय वेट करने की भी जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इंडिया की बात करें, 24 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चलती आई है। काफी लोग नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, काफी लोग ने यहाँ पे इसको पॉजिटिव नजरिए से देखा और यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज भी किया है। लेकिन कहते हैं ना, दौर के साथ हर चीज चेंज होती रहती है। आज 2020 में, 2019 के मिड में नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक रेवोल्यूशन का काम हुआ। आज तक 2019 से पहले जो नेटवर्किंग थी बेसिकली दो टाइप की यूज होती थी। एक होती थी इन्वेस्टमेंट बेस्ड, जहां पे कंपनी इन्वेस्ट कराती थी कि आप हमें इतना पैसा दे दो आपको डबल ट्रिपल हो जाएगा, और फिर होती थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो 2019 के मिड में एक नया रेवोल्यूशन आया जिसका नाम था क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग भी एक सिनर्जी की एग्जाम्पल थी, एक बेस्ट सिनर्जी थी नेटवर्क मार्केटिंग और क्राउड फंडिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और क्राउड फंडिंग का जब कॉम्बिनेशन हुआ, क्राउड फंडिंग में भी ऑलरेडी इंडिया में तो एक नया कंसेप्ट था, लेकिन फॉरेन में, वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, कनाडा में सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने क्राउड फंडिंग को यूज करके मिलीनियर वो बने थे, लाखों करोड़ रुपए कमाए थे। इंडिया में भी क्या हुआ, जब क्राउड फंडिंग और नेटवर्क मार्केटिंग आपस में मिले,
क्योंकि इंडिया में इससे पहले क्राउड फंडिंग कोई नई चीज नहीं थी, सैकड़ों सालों से ऑलरेडी यूज होती आ रही थी, बट इनको यूज कौन करते थे, जैसे बिजनेसमैन जो म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड है, यहाँ पे क्राउड फंडिंग यूज होती थी, बैंक वाले क्राउड फंडिंग यूज करते थे। बैंक वाले क्या करते हैं, लोगों का पैसा ही तो लोगों में बांटते हैं, ब्याह शादियों में जो शगन वगैरह डालते हैं, यहाँ पे भी तो क्राउड फंडिंग ही तो होती है। जब हम किसी धार्मिक स्थल पे, किसी एनजीओ में, किसी कहीं पे चैरिटी वगैरह करते हैं, चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं, यहाँ पे क्राउड फंडिंग ही तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेली काम कर रही थी, आम लोगों को इसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं था। लेकिन 2019 के मिड में क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन आया, इसको जोड़ दिया गया, सिनर्जाइज कर दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग और क्राउड फंडिंग एक साथ मार्केट में उतरे, इसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया क्राउड फंडिंग का, एक मतलब टाइप ही चेंज कर दी। आज क्राउड फंडिंग में देखो, इंडिया और फॉरन बहुत सारी कंट्रीज में लोग क्राउड फंडिंग की मदद में सिर्फ 5-6 महीनों में लाखों रुपए करोड़ रुपए यहाँ पे कमा रहे हैं। बड़ा ही रेवोल्यूशनरी बिजनेस एक 2019 की मिड में शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब 5, 10, 15 या 20 साल वेट ना करना पड़े, बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करनी पड़े, बहुत ज्यादा ही मेहनत ना करनी पड़े, आप चाहते हो कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उसका मूल्य मिले, मतलब अगर आपने 100% मेहनत किया तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिले, तो क्राउड फंडिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्राउड फंडिंग में आज बहुत सी कंपनियां हैं जो इंडिया में उतर रही हैं, लेकिन कभी भी कोई भी कंपनी चूज करने से पहले आप कुछ चीजों का ध्यान में जरूर रखिए। सबसे पहली तो ये है कि एटलीस्ट वो क्राउड फंडिंग कंपनी 1 साल तो पुरानी हो ही, क्योंकि क्राउड फंडिंग में क्या होता है, मैक्सिमम लोग ना कंपनियां उतार देते हैं जो 2-3 मंथ बाद बंद हो जाती है, जिस वजह से मार्केट में नेगेटिविटी आती है। तो आप पहले प्रोफाइल चेक कर लें कि क्राउड फंडिंग में उनको कितना टाइम हुआ। ऑब्वियसली क्राउड फंडिंग 2019 के मिड में आया तो इसको ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट अगर 1 साल पुराना बिजनेस है, 1 साल पुरानी कंपनी है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। दूसरा, आप देखें कि उसका मोटो क्या है, विजन क्या है, किस सोच को लेकर चल रहे हैं। क्राउड फंडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो आप कंपनी में ये जरूर चेक कीजिएगा कि वो लोगों की हेल्प कर रही है, वहां पे प्लेटफॉर्म कैसा है, सिस्टम कैसा है, और फ्यूचर क्या है, क्या क्या नई नई चीजें वो लेके आ रही है, किस विजन को लेके चल रही है, जो उनके ऑनर्स हैं, जो वहां पे मैनेजमेंट है, वो किस टाइप की है। तो ये कुछ चीजें, अगर आपको ये सब चीजें वहां पे बेस्ट लग रही है, तो क्राउड फंडिंग एक आज के टाइम में 2020 में एक बेस्ट ऑप्शन है बहुत ही जल्दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रेजेंट लाइफस्टाइल से खुश नहीं है, अगर अपनी जॉब, अपने व्यवसाय, अपने लाइफस्टाइल से आप खुश नहीं है, तो क्राउड फंडिंग नो डाउट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप क्राउड फंडिंग को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्राउड फंडिंग में क्या है, आपको यहाँ पे सालों साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर आप मेहनती हो, इस चीज को सीखते हो, देखो कोई भी नया काम है स्टार्टिंग में लोग उसकी नेगेटिव बोलते ही है, क्योंकि लोगों ने वो पहली बार सुना होता, उनको समझ नहीं होती। आज तक जैसे होता है ना कि हम बचपन से जो स्टडी थी वहां पे हम जॉब 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 पढ़ते आए थे, और बड़े होके हमेशा जॉब के बारे में सोचते हैं, कभी बिजनेसमैन बनने का सोचा ही नहीं। तो इस तरीके से इंडिया में पिछले 24 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग है, वो प्रोडक्ट बेस में चलती आई थी वो, तो लोगों के मन में एक ही डाउट होता है कि यार अगर प्रोडक्ट है तो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग अदरवाइज नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की टाइप है, पूरी नेटवर्किंग नहीं है। 2019 में स्टार्टिंग हो चुकी है क्राउड फंडिंग की, जिसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अब धीरे धीरे इंडिया में काफी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, तो आज बिल्कुल राइट टाइम है। अगर इस बूम की स्टार्टिंग में, जैसे एप्पल की स्टार्टिंग में अगर उसके शेयर आप खरीद लेते तो आज आप करोड़ों खरबों रुपए कमा लेते, और वैसे ही अब क्राउड फंडिंग का इंडिया में बूम है, अगर इस बूम की स्टार्टिंग में यहाँ पे आप अपना बेस बना लेते हो, अपना एक अच्छा सा नेटवर्क बना लेते हो, तो आज से आप इमेजिन कर सकते हो सिर्फ 1.5 से 2 साल के बाद आपका फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट होने वाला है। यहाँ पे आप पहले 1 से 2 मंथ में ही अपने आप को जज कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस आईडी पे आप जाके मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको नई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, नई नई बिजनेस के रिलेटेड आपको हम गाइडेंस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।